महासमुंद जिले के बसना में दुर्लभ प्रजाति के पेंगुलिन की तस्करी करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने जाल बिछाकर पेंगुलिन के साथ रंगे हाथों पकड़ने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि तस्कर पेंगुलिन को बेचने की फिराक में घूम रहे थे, तभी उन्हें बसना पुलिस घेराबंदी कर धर दबोचा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए की कीमत में बिकने वाला दुर्लभ प्रजाति के जीवित पेंगुलिन को जाल बिछाकर पकड़कर तस्करी करने वाले 3 लोगों को बसना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पेंगुलिन की प्रजाति दुनिया भर में कहीं कहीं पाई जाती है और इस दुर्लभ जीव के शरीर में पाए जाने वाले चमड़ी और मांस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए बताई जा रही है। यह पेंगुलिन महासमुंद जिले के बारनावा पारा और बलौदा बाजार जिले व गरियाबंद जिले में कभी कभी देखा जाता है। गिरफ्तार आरोपियों से बरामद पेंगुलिन का वजन 14 किलो और 40 इंच है, जिसे पुलिस ने वन विभाग के DFO मयंक पांडे को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस के इस कार्य से प्रसन्न आईजी ने नगद इनाम और प्रशंसा पत्र देने की बात कही है। जानकारी के अनुसार ग्राम पीड़ा से बलौदा बाजार के मार्ग पर कुछ लोग दुर्लभ वन जीवों को वैन में रख कर बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे। उक्त सूचना पर थाना बसना के द्वारा ग्राम चनाट और ग्राम दलदली के बीच पुलिया के पास नाकाबंदी किया गया। थाना बसना की टीम त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ा मार्ग के पास पहुँचे, जहाँ एक ओमनी वैन जा रही थी। वैन के आगे आगे एक मोटरसाइकिल डिलक्स एवं पीछे पीछे मोटरसाइकिल प्लेटिना वैन को पायलटिंग एवं फॉलो करते हुए जा रही थी। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक के आदेश व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना बसना की टीम ने बिरदा और बलौदा बाजार की ओर जाने वाली मार्ग ग्राम चनाट और दलदली के मध्य पुल के पास नाकाबंदी की। पुलिस के घेराबंदी को देखकर पायलटिंग कर रहे वाहन डीलक्स का चालक भागने लगा, जिसे टीम ने पकड़ लिया। डीलक्स सवार ने अपना नाम उत्तरा कुमार यादव साकिन दलदली थाना बसना बताया। पेट्रोलिंग वाहन ने वैन को नाकेबंदी कर रोका। वाहन को गोविंद बढ़िया साकिन पीड़ा टेढ़ी डिपा थाना सलिया जिला बलौदा बाजार चला रहा था। उसने वन्य प्राणी के बारे में पूछने पर पहले तो कुछ नहीं बताया। वाहन की तलाशी लेने पर उक्त कार के पीछे एक दुर्लभ वन्य जीव पेंगुलिन रखा हुआ मिला। वैन के एकदम पीछे मोटरसाइकिल प्लेटिना आई, जिसमें कार्तिक लाल पटेल निवासी धुपेटी चौकी भंवरपुर थाना बसना पहुंचा। उक्त तीनों व्यक्तियों को कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उन्होंने बताया कि बारनावा के जंगल से गोविंदा बरिया ने जाल लगाकर पेंगुलिन को पकड़ा था, उसी को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में वे घूम रहे हैं। आरोपी उत्तरा कुमार यादव और कार्तिक लाल पटेल सहयोगी के रूप में ग्राहक तलाशने का काम कर रहे थे। तीनों आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 09-39(1)(20)(50)(51) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। महासमुंद से किशोर कर की रिपोर्ट, ACN 24।